हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू एंड योर लवली फैमिली एंड फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सन 2022 में 100% श्योरिटी के साथ किन किन जगहों पर टीचर बन सकते हैं, और इस वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका सेशन 18 से 20 है, 19 से 21 है, 20 से 22 है, या फिर 21 से 23 है, तो आप लोग इसमें कैसे अप्लाई कर पाएंगे, इन बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हम लोग डिस्कस करेंगे कि टीचर एबिलिटी टेस्ट यानी कि बीटेट जेटेट कब कंडक्ट कराया जाएगा। ये सारी चीजों को इस वीडियो में वन बाय वन करके हर चीजों को डिस्कस करेंगे ताकि आपसे कोई भी जॉब छूटने ना पाए। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि टीचिंग जॉब से रिलेटेड सभी तरह के इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल्स पे अवेलेबल है। उसके अलावा बीएड कंप्लीट कोर्स सभी भाषाओं में यानी कि हिंदी इंग्लिश पीडीएफ के साथ सभी भाषाओं में अवेलेबल है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी करें ताकि आपकी वजह से एक टीचर की भी हेल्प हो सके। चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं बात करूं रिसेंटली बहाली की, तो अभी के टाइम में यूपी में बहाली प्रक्रियाएं चल रही है जिसमें कि बहुत से लोगों को ज्वाइनिंग लेटर मिल चुका है। उसके अलावा मध्य प्रदेश राजस्थान सभी जगहों पर टीचिंग बहाली प्रक्रियाएं चल रही है, यानी कि सन 2022 में बम्पर टीचिंग बहाली होनी है। अब मैं लेकिन यहां पर बात करूंगा बिहार स्टेट और झारखंड के बारे में कि यहां पर कितनी सारी टीचिंग बहाली प्रक्रियाएं चलेंगी। ठीक है, यहां पर इस न्यूज़ को आप पढ़ेंगे तो यहां लिखा हुआ है कि 1.25 लाख से अधिक शिक्षकों की होंगी नियुक्ति। अब इसको समझेंगे कि ये 1.25 लाख की नियुक्ति जो है किस तरीके से होनी है, उसको पूरी तरीके से मैं डिस्कस करूंगा। ये बात हो रही है सातवें चरण की, लेकिन अभी जो है आगे की न्यूज में मैं डिस्कस करता हूं। देखिए यहां पर लिखा हुआ है प्राथमिक स्कूलों में भरे जाएंगे 80,000 स्कूली शिक्षकों की भर्ती अगस्त से होगी। ठीक है, अगस्त से यहां पर दिया हुआ है। अब यहां पर पूरा ब्यौरा दिया हुआ है कि किस तरीके से क्या क्या होना है, इसको मैं पूरे कॉन्सेप्ट के साथ समझाता हूं ताकि आप इसको अच्छी तरीके से अप्लाई कर सके। इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि छठे चरण की बहाली प्रक्रियाएं किस तरीके से शुरू हुई थी। देखिए छठे चरण बहाली प्रक्रिया की शुरू की बात करें तो यहां पर जो है 90,762 सीटों की बहाली प्रक्रियाएं चल रही है, जिसको ज्वाइनिंग लेटर जो है 25 फरवरी को यानी कि अगले महीने में मिल जाना है। तो ये 90,762 बहाली प्रक्रियाएं में जो बच्चे शामिल हो चुके हैं उन्हीं को ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। अब शिक्षा विभाग ने अपर मुख्य सचिव जो है उन्होंने ये कहा है कि 90,762 जो सीटें हैं इसमें भी 50% सीटें खाली रह जाएंगी। अगर इसमें 50% सीटें खाली रहती है तो आप ये कह लें कि 45,000 या फिर 40,000 ही कह लें, तो 40,000 अगर ऐड हो जाता है आपके 1.25 लाख शिक्षकों में तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब जो न्यू बीएड धारी है वो किस तरीके से यहां पर बहाली प्रक्रिया में अपना क्या कहते हैं भाग ले सकते हैं। अब यहां पर आपने देखा होगा कि 80,000 जो है प्राथमिक स्कूलों में या फिर अपर प्राथमिक स्कूलों में बहाल किए जाएंगे। 80,000 जो जिसमें लिखा हुआ है यहां पर देख सकते हैं आप, यहां लिखा हुआ है कि अगस्त से इनकी बहाली होनी है। ठीक है, अब एक जगह पर लिखा हुआ है कि 1.25 लाख की जो बहाली होनी है वो मार्च से होनी है। तो ये दो भागों में बटा हुआ है। ठीक है ना, दो भागों में। देखिए अगर मैं बात करूं सातवें, आपको जो नए बीएड धारी है उनको मौका मिलेगा सातवें चरण में। अब सातवें चरण कब से शुरू हो रहा है, ये मार्च से, यानी कि छठा चरण जैसे ही खत्म होगा वो सातवां चरण शुरू हो जाएगा। अपर मुख्य सचिव ने पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है। अब जो है जो न्यू बीएड धारी है वो सातवें चरण में अच्छी तरीके से अपना सीट बना सकते हैं। किस तरीके से बना सकते हैं कि 80,000 जो है, जैसे मैंने बताया आपको, जो 80,000 है वो कहां पर है, आपका 80,000 जो है वो प्राथमिक अपर प्राथमिक स्कूलों में ये बहाल किए जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि सेकेंडरी और फिर हायर सेकेंडरी या फिर प्लस टू की अगर बात करूं तो वहां पर 37,000 कितनी सीटें हैं, वहां पर जो है 37,000 सीटें हैं। ठीक है, 37,440 सीटें हैं जिस पर क्या कहते हैं टीचरों को बहाल किया जाएगा। ठीक है, अब इसको अच्छे तरीके से समझो। यहां पर भी यहां पर पर मुख्य सचिव ने देखिए पूरा कोटेशन दिया हुआ है। देखिए 9,762 जैसे मैंने आपसे बताया था, इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि छठे चरण की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद सातवें चरण की प्रक्रिया शुरू होगी। छठे चरण में 90,762 सीटों में आधी से अधिक सीटें रिक्त रहने वाली है। ठीक है, तो इन्होंने साफ साफ लिखा है कि जैसे ही छठे चरण की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, जो कब खत्म हो रही है, अगले महीने 25 फरवरी को, तो आपको इसके लिए बहुत अच्छी तरीके से रेडी रहना है। ठीक है, अब इस बात को भी समझिए। देखिए बिहार में तो बहुत बड़ी टीचिंग अपॉर्चुनिटी है, आपको बस इसके लिए रेडी रहना है, किस तरीके से आपको अपना प्रिपरेशन करना है। अब जो न्यू बच्चे हैं वो क्वेश्चन करेंगे कि सर क्या मैं बहाल हो सकता हूँ कि नहीं, तो मैं एक बात कहूंगा आपसे कि ये बहाली टाइम लेने वाला है, बहुत जल्द तो नहीं हो जाएगा। तो मैं ये कहूंगा
होगा कि जितनी भी टीचिंग एबिलिटी टेस्ट होना है उसमें आप बैठें, उसमें उसकी प्रिपरेशन करें, अच्छे तरीके से तैयारी करें, ठीक है। अब इसको समझिए, देखिए यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि दूसरी टीईटी 31 मार्च के पहले होगा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि मार्च से बहाली प्रक्रिया शुरू होगी, और दूसरे न्यूज़ में है कि क्या कहते हैं कि प्रारंभिक और अपर प्रारंभिक में यानी कि माध्यमिक स्कूलों में जो है बहाली की प्रक्रिया अगस्त से होगी। तो जब मार्च में यहां पर बहाली प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तो किस तरीके से आप जो है इस बहाली में क्या कहते हैं कि बैठ सकते हैं या फिर अपना सीट बना सकते हैं। तो ये था आपका बिहार का पूरा न्यूज़, जिसमें कि मैंने बताया कि आपको ज्वाइनिंग या फिर ये कह लें कि आप टीचिंग एबिलिटी टेस्ट के लिए किस तरीके से बैठ के अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहां पर पूरा जो है ब्यौरा दिया हुआ है कि कितने परसेंट में कौन बच्चा पास होगा, ये आपको अच्छी तरीके से पता है। टीचिंग एबिलिटी टेस्ट के लिए आपको अभी से रेडी रहना है, कभी भी कंडक्ट करा दिया जा सकता है। उसके बाद मैं बात करूंगा कि झारखंड की भी अगर बात करूं तो शिक्षक नियुक्ति नियमावली को स्वीकृत मिलने के बाद शिक्षा विभाग हुआ सक्रिय, यानी कि यहाँ पर भी देख सकते हैं 26,000 से भी ज़्यादा शिक्षकों की बहाली होनी है झारखंड में भी। और एक चीज़ बताता हूँ मैं, किसी भी स्टेट में जो रिजर्वेशन कोटा होता है वो सिर्फ 5% होता है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि मैं दूसरा स्टेट क्यों जाऊँ, तो मैं बच्चे आपको प्रेफर करूँगा कि नहीं, आपको जाना चाहिए। इसलिए जाना चाहिए कि मेरे जितने भी दोस्त हैं, मैंने देखा यूपी में मेरे 17 दोस्त अभी क्या कहते हैं सेलेक्ट हुए। इससे पहले जब 17 में क्या कहते हैं कि वो लिया गया था टीचिंग क्या कहते हैं ज्वाइनिंग कराया गया था हाई स्कूल का भी झारखंड में, तो वहाँ पर यूपी से और उसके अलावा बंगाल से यानी कि अदर स्टेट से बच्चे वहाँ पर गए हुए थे पढ़ाने के लिए, और वहाँ पर अच्छी जॉब मिलती है। अगर मैं बात करूँ उसकी हाई स्कूल की सैलरी की, तो वहाँ 54,000 से 55,000 रुपये सैलरी है। तो क्या फ़र्क पड़ता है कि आप दूसरे स्टेट में जा रहे हैं। तो वहाँ का टीचिंग एबिलिटी टेस्ट निकालने के लिए बहुत आसान हो जाता है अगर आप सीटेट की तैयारी, सेंट्रल टीचिंग एबिलिटी टेस्ट की तैयारी करते हैं। तो ये स्टेट है जहाँ पर सन 2022 में पूरी तरीके से बहालियाँ होनी है। मैं ये कहूँगा आपसे कि आप अपना प्रिपरेशन पूरी तरीके से रखे, बीटेट होने वाला है, जेटेट भी कंडक्ट करा दिया जाएगा, और उसके अलावा सीटेट भी दूसरा आने वाला है। तो इन सब की प्रिपरेशन के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा, ताकि इन सभी जॉब से जो सन 2022 में होने वाली है, और अगर सन 2022 में ना भी होती है ना, तो आपको पता है कि सन 2024 में इलेक्शन होना है, उससे पहले पहले ये जॉब आपको मिल के रहेगी। तो ये था पूरा इंफॉर्मेशन, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।